कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। लोहा बाजार के बारे में बात करेंगे, जानेंगे आज वीकेंड वाले दिन हफ्ते के आखिरी दिन किस तरह से कारोबार आप देख सकते हैं। लोहा बाजार में टीएमडी सरिये में किस तरह कीमतें चल रही हैं, कुछ ब्रांडेड कंपनी में आज के रेट के बारे में बात करेंगे, साथ देखेंगे इंगट का क्या रेट है और इसके साथ बात करेंगे स्क्रैप की क्या कीमतें बाजार में चल रही है, विस्तार से बारे में जानेंगे। मगर उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो लोहा बाजार में इस पूरे हफ्ते काफी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार देखा गया, लेकिन हफ्ते के आखिरी दिन बाजारों में ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से जबरदस्त गिरावट आई और हफ्ते की शुरुआत में लेवल 51,000 तक पहुंच चुका था इंगट का। वहां से प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद अब तक 49,000 तक इंगट का लेवल आ चुका है। कीमतों के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले तो गिरावट आने के बाद भारतम कंपनी का रेट 55,000 है, कामधेनु कंपनी की 62,201 चल रही है, गेटू कंपनी का रेट 61,331 है, ज्योति कंपनी में 62,112 रुपए का लेवल आप बाजार में देखकर चल सकते हैं, फॉर्च्यून कंपनी का रेट 63,399 है, प्रबल कंपनी में 61,301 रुपए का लेवल है, द्वाबा कंपनी की 66,300 चल रही है, दीपक कंपनी का रेट 54,800 देखा जा रहा है। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। देखा जा रहा है जय भारत कंपनी की कीमतें 59,500 रुपए हैं, शेयर पंजाब कंपनी का रेट 62,211 है, अम्बा कंपनी की कीमतें 58,900 रुपए मार्केट में आप देख कर चल सकते हैं। इसके अलावा इंगट के बारे में अगर बात करते हैं तो जबरदस्त तरह की गिरावट आज वीकेंड वाले दिन इंगट में आ चुकी है, लेवल ऑलमोस्ट 49,000 तक जाने वाला है। इंगट का जो अभी का रेट चल रहा है 49,100 रुपए है, आज सुबह से लेकर अभी तक 300 से लेकर 400 रुपए तक की गिरावट बाजार में यहां पर देखी जा चुकी है और स्क्रैप की कीमतें 38,100 रुपए देखी जा रही हैं। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा, जो गिरावट देखी जा रही है बाजारों में इसका असर आपको आने वाले 1 से 2 दिनों में टीएमटी सरिये पर भी देखने को मिल सकता है, जिसको देखते हुए टीएमटी सरिये में भी जबरदस्त तरह की गिरावट आने वाले टाइम पे आप देख कर चल पाएंगे। अब अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो अच्छा लेवल है बाजारों में, अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो बाजारों में जरूरत के हिसाब से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप गिरावट पर व्यापार करके चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट का जो आउटलुक है वो फिलहाल के लिए अनस्टेबल नजर आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।